हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ई बिजनेस आइडिया के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अतिथि टीचर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और मैं आपको अपने मोबाइल ब्राउज़र पे ही बता रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का ब्राउज़र ऑन करना है और न्यू टैब ओपन कर लेना है। तो मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। आप डायरेक्ट अपने गूगल सर्च बार पे टाइप कर सकते अतिथि टीचर रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, जैसे कि ये जो लिंक खुली है फैकल्टी व्यू एंड एमपी एजुकेशन पोर्टल, तो दोस्तों उस पे नहीं खोलना है आपको। मैं बता दूँ, उसके लिए आपको एक आईपी एड्रेस दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करके फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, जैसे कि एक पत्रिका mpatrika.com ने एक न्यूज़ जारी की थी, उसके अंदर एक लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो कि जो अतिथि शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है स्कूल के लिए, तो उसकी जो एक लिंक दी गई है वो मैं बता दूँ आपको, जिसके लिंक है http://164.100.96.42/. पर ये वाली एड्रेस आपको यहाँ से हम को क्या करना है, कॉपी टू लिंक एड्रेस, और इस टैब को नया टैब लीजिए और यहाँ इसे पेस्ट कर दीजिए और इसे सर्च कीजिए। तो डायरेक्ट ही इसकी एक वेबसाइट खुल जाएगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा नीचे और थोड़ा, तो देखो दोस्तों, इसमें लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, रजिस्टर पे क्लिक कीजिए और ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार से, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कि किस प्रकार से, यहाँ पर नाम, यहाँ पर मिडिल नेम, सॉरी ब्राउज़र स्लो चल रहा है, बिजी, क्योंकि ये मोबाइल पे कम सपोर्ट करता है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बेटर से बेटर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली बता देता हूँ मैं आपको। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका नाम आएगा, अगर कुमार जैसे आप लिखते हैं रोहन कुमार, ये जो भी आपका मिडिल नेम है, यहाँ मिडिल नेम डाल सकते हैं, लास्ट नेम जो आपका सरनेम, जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल या फीमेल, हाँ, और मैरिटल स्टेटस जिसमें आप सिंगल जो भी हो आप डाल सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए और आपका मोबाइल। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो स्टार का चिन्ह है वो मैंडेटरी है और वहाँ पर आपको डालना ही है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको मैंडेटरी है, और आपका डिस्ट्रिक्ट से लिख कीजिए, आपका ब्लॉक और आपका एड्रेस और पिन कोड, और जो है नीचे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल्स, जो आप अभी कहाँ रह रहे हैं, जिससे कि आपका संपर्क हो सके, वो नंबर दे दीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। फिर जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो एक और फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको अपने फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो इस वीडियो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।